नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी रोडिया चैनल को आपको स्वागत करुँचे। फ्रेंड्स, आज वीडियो में आम देखा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एसएससी तरफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ पर एसआई रिक्रूटमेंट पर वैकेंसी बाहर यहाँ प्रत्येक वर्ष आपके वैकेंसी बाहर थे। तो एथर जो वैकेंसी बाहर आपको कमी कौन आवेदन करा पड़ो, आवेदन करा लास्ट डेट के एग्जाम फी आपके पड़ो, जब आप अप्लाई करते कि देवाक पड़े ना, ता सहित एग्जाम डेट आप फिक्स कराई के एग्जाम देते, एग्जाम पैटर्न कौन रही, फिजिकल जब टेस्ट हुए कौन फिजिकल टेस्ट हम, ता सहित समस्त डिटेल्स मुझे वीडियो मध्य शेयर करी। कारण आप जब पीडीएफ आर देखिए 37 पेज रही, जोटा कि आपको पढ़ापी बहुत बोरिंग लगे, से मुझे कौन सब इंपोर्टेंट पॉइंट रही है आपको डिस्कशन करी। जदि आप जॉब इंटरेस्टेड अच्छा, कारण बहुत भल स्केल पे रही है, भल रेपुटेड जॉब, तो आप जब इंटरेस्टेड अच्छा वीडियो देखते फर्स्ट टाइम भले लगे लाइक करेंगे, फ्रेंड्स सहित शेयर करेंगे। और जब चाहते डेली बेसिस इंपोर्टेंट वीडियो देखने पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे। चैनल नाम होती है स्टडी हार्ड ओडिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइनली फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ वैकेंसी रिलीज कर जोटा कि नोटिफिकेशन तरह जारी है एसएससी रिपोर्ट 2019 नंबर में। ये आपको डेली पुलिस में सब इन्स्पेक्टर, असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर, सीएफएफ एंड सीएसएफ पर वैकेंसी बाहर जोटा कि रिक्रुटमेंट कर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी अप्लाई करने स्टार्ट हो गई, जोटा कि 16 अक्टोबर 2019 पर्यंत 5टा संध्या 5टा पर्यंत चलो। तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा भलेसे देखते भिडियो, ये आपको प्रथम कहीदे एग्जाम डेट्स आपको कभी रोक कौन सब डिटेल्स, जोटा कि देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपको 17/9/2019 मैंने 17 सेप्टेम्बर आपको स्टार्ट हो गई ऑनलाइन अप्लाई करवा। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करवा लास्ट डेट होगी आपको 16/10/2019 मैंने अक्टोबर 16 हो लास्ट डेट अप्लाई करार। सेमती टायर 1 एडमिट कार्ड मैंने आपड़ जो सीबीटी देते कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तरह एडमिट कार्ड के रिलीज करा नोटिफाइड आपको पर करेंगे से लिखिदेट। देन एसएससी सीपीओ पेपर 1 एग्जाम डेट, पेपर 1 एग्जाम डेट आपको केवे रही 11th-13th December मैंने डिसेंबर मसने ही आपको एग्जाम हो, यहाँ भलसम रखुद से अनुसार आप प्रिपेरेसन करेंगे। देन आप एसएससी सीपीओ पेपर 1 रिजल्ट डेट आप एग्जाम देते 11th-13th December रे, तो रिजल्ट केवे आपड़ा नोटिफाई पर से आप करेंगे। ता सहित पेपर 2 आपंकर एग्जाम के पर नोटिफाई करेंगे आपण मूँ वेबसाइट मध्यम। तापर देखो किए मैंने इलीजिबल हो पारे ये अप्लाई करने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रथम कौन थी दरकार। पॉइंट 1 रे पॉइंट 1 आपको रही है 1/1/2019 बेलू कैंडिडेट हाविंग ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मैंने ग्रेजुएशन डिग्री आपको निहतर दरकार 1/1/2019 बेलू होता दरकार कंप्लीट। देन फिजिकल डिटेल्स पॉइंट 2 रे आपंकर हाइट 165 सेंटीमीटर थी दरकार, फीमेल जब अच्छे 160 सेंटीमीटर होता दरकार। देन आप चेस्ट चेस्ट साइज जो जो मैंने मेल कैंडिडेट अच्छे से 81-86 सेंटीमीटर होता दरकार। वेट वेट आप मेल जब अच्छे 55 kg मिनिमम, देन फीमेल होती 45 kg आपको निहत्व दरकार जब आप आवेदन करने को चाहते ये पोस्ट पर। देन देखो पॉइंट 3, पॉइंट 3 आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी, पीईटी आप कौन टेस्ट नहीं रनिंग, रनिंग टेस्ट हम, देन शॉटपुट थ्रो, देन लॉन्ग जंप, देन हाई जंप। फोर्थ पॉइंट आपज लिमिट किए मैंने केयस अप्लाई करेंगे, मिनिमम एज आप दरकार 20 वर्ष, मैक्सीम एज 25 वर्ष। देन आप एज रिलैक्सेशन क्यों कैटेगरी केज रिलैक्सेशन कर एससी एसटी जब आप अच्छा आप 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन कर, अर्थात आप 30 वर्ष एज होते आप आवेदन करेंगे। सेमती जब ओबीसी आप बिलंगस करते 3 वर्ष आपको एज रिलैक्सेशन कर, 28 वर्ष होती तथापि भी आप ये पोस्ट पर आवेदन करेंगे। तापर देखते एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न आपंकर कमी हो ना पेपर 1 एंड पेपर 2 एसएससी सीपीओ जो एग्जाम हम पेपर 1 पेपर 2 आप ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसो जमी आप एग्जाम दे था, क्वेश्चन जो आपको आसो बिलिंगुअल, बिलिंगुअल अर्थ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दुईट लांगुएज आसो बाय डिफॉल्ट आप जहाँ रखिपारे एग्जाम मध्य चेंज भी करेंगे से लांगुएज को क्वेश्चन देखापी। देन आपर जब भूल आंसर दौरान 0.25 मार्क आपंकर माइनस हम, माइनस मार्किंग अच्छी ये आपको गोटे मेनसन कर देखो द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 फेज, तीनो फेज आपंकर एग्जाम कंडक्ट कर। पेपर 1 देखते आपंकर कौन टेस्ट कर, पेपर 1 आपंकर आसला पीईटी पीएसटी एंड मेडिकल टेस्ट। पेपर 2 दि फाइनाल मेरिट लिस्ट विल बी टैबुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन ऑल द 3 फेजेस ऑफ एसएससी सीपीओ एग्जाम, जो तीनो फेज एग्जाम हम से आपंकर जहाँ भी परफॉर्मेंस रोक से गोटे मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 ये गल आपर। देन आप देखते फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी कौन कर, देखो फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, मेल कैंडिडेट मन कौन रही 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड मैंने 16 सेकेंड में आपको 100 मीटर रेस कंप्लीट करा पड़ो, 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स बहुत इजी रही है आप प्राक्ट करेंगे, जस्ट 5 दिन भी प्राक्ट कले आपर ये रेस हो पार। देन लंग जंप, लंग जंप देखो 3.65 मीटर्स इन 3 चांसेस तीन चान्स आपको दिज्व लंग जंप्रे 3.65 मीटर जंप करने। देन हाई जंप 1.2 मीटर्स इन 3 चान्सेस तीनो चान्स 1.2 मीटर्स हाई जंप
ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ। ଦେନ୍ ସର୍ଟଫୁଟ୍ ଥ୍ରୋ 16 LBH ଯେଉଁଟାକି 4.5 meters ଇନ୍ 3 chances, ତିନୋଟି ଚାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4.5 meterକୁ ଥ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ସର୍ଟଫୁଟ୍ ଥ୍ରୋ ପାଇଁ। ସେଭଳି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 meter ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ 18 seconds, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 seconds, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 seconds। ସେମିତି 800 meter ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1600 meter, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 800 meter, ଯେଉଁଟାକି 4 minutes। ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ 2.7 meter ଯେଉଁଟାକି 9 feet ଇନ୍ 3 chances ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେମିତି ହାଇ ଜମ୍ପ 0.9 meter ଯେଉଁଟାକି 3 feet ଇନ୍ 3 chances। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ସେମାନଙ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ OBC ଅଟନ୍ତି, ବାକି SST ଏବଂ PWD ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍କେଲ୍ ପେ। ସ୍କେଲ୍ ପେ ଆପଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର GDରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ CPF'ରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ପେ ରହୁଛି ଲେବଲ୍ 6ର 35,400 1,12,400 ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କେଲ୍ ପେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଆପଣ ଆସିବେ ନନ୍ ଗ୍ୟାଜେଟେଡ୍ ନନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିବେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଇନ୍ ଡେଲି ପୋଲିସ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାରେଜ୍ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ଲେବଲ୍ 6 ଦେନ୍ 35,400 ଟୁ 1,12,400 ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ନନ୍ ଗ୍ୟାଜେଟେଡ୍ ବାଇ ଡେଲି ପୋଲିସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ASI ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇନ୍ CSF ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେବଲ୍ 5ର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 29,200 ଟୁ 92,300 ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ପେ ରହିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା SSC CPO 2019 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଏଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ଭେରି ମଚ୍। ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ।